हेलो दोस्तों, आप कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं रोजाना की तरह आज भी नया वीडियो ला चुका हूँ। आज के वीडियो में आपके लिए वांडा का सेटअप लाया हूँ, जो कि अपने शाओमी का थीम्स का इस्तेमाल करके बड़े आसानी से कर सकते हो। इस वीडियो को पूरा देखना, मैं सारी जानकारी दूंगा आप कैसे सेटअप को कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट न्यू वीडियोस। फॉलो मी ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए आप देख सकते हो अपने मोबाइल को होम स्क्रीन में आ चुके हैं हम, और दिखाता हूँ कौन कौन से आपको थीम को डाउनलोड करना होगा वांडा के सेटअप के लिए। आपको बता दें कि आपको ज़्यादा थीम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक दो थीम्स की ज़रूरत पड़ेगी। आप पहले थीम का नाम देख सकते हो, इसका नाम है श्रेया रेड। आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, जो कि आपको थीम स्टोर में बड़े आसानी से मिल जाएगा। मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख लेना। उससे पहले आपको डार्क मोड को इनेबल कर लेना होगा, उसके बाद आपको इस थीम को अप्लाई करना होगा। आपको इस थीम का पूरा अप्लाई करना होगा, देख सकते हो मैं पूरा अप्लाई कर दिया हूँ। चलिए मैं अपने और दूसरे थीम्स को चलता हूँ, जो कि आपका नाम बताता हूँ। आपको उस थीम को भी डाउनलोड कर लेना है, देख सकते हो मैंने अप्लाई कर दिया हूँ। आप देख सकते हो आपको दूसरे थीम में आपको इसको डाउनलोड करना है, जो कि आप थीम स्टोर में मिल जाएगा। जाके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, या मैं वेबसाइट से आप जाके इसका नाम कॉपी करके जाके सर्च करके आसानी से डाउनलोड कर सकते हो। आपको इसका लॉक स्क्रीन ही लगाना था, चलिए उन्हें लगा दिया हूँ। चलिए होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखेगा आपका होम स्क्रीन। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको गूगल विजिट का भी थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करना होगा। सबसे पहले गूगल विजिट पर जाके आपको थोड़ा कस्टमाइज़ करना होगा। कुछ ऐसा जाने के बाद आपको थोड़ा इसका कलर चेंज करना होगा। चलिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा आपको इसको रेड कर देना होगा, देख सकते हो थोड़ा मैं रेड कर दिया हूँ। थोड़ा इसको डार्क में कर देना है। करने के बाद देख सकते हो आपको गूगल विजिट का आपको सिर्फ यही सेटिंग करना था। इसके बाद चलिए मैं आगे का स्टेप बताता हूँ आपको। इतने करने के बाद चलिए मैं आपको वॉलपेपर दिखाता हूँ, जो कि आपको डाउनलोड करना है होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन के लिए, जो कि मैं नीचे लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप जाके मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। पहला वॉलपेपर का देख सकते हो ये वांडा का है। आपको इसको थोड़ा जूम करके होम स्क्रीन में लगाना होगा, देख सकते हो। मैं चलिए लगा देता हूँ उसको, थोड़ा कुछ जूम करना होगा उसको, थोड़ा एडजस्ट करके लगा देना होगा, देख सकते हो मैंने एडजस्ट करके लगा दिया हूँ। चलिए मैं आपको दूसरा वॉलपेपर दिखाता हूँ, जो कि आपको लॉक स्क्रीन में लगाना होगा। चलिए आप देख सकते हो हमारा दूसरा लॉक स्क्रीन का वॉलपेपर है। आपको इसको डाउनलोड करके लॉक स्क्रीन में लगा देना है। अगर आपका लॉक स्क्रीन में वॉलपेपर नहीं लग रहा है, तो आपका जो थीम स्टोर होगा उसका जो अपडेट आपने किया होगा उसको अनइंस्टॉल करके आप ट्राई कर सकते हो, उसके बाद आपका लग जाएगा बड़े आसानी से। चलिए हमने लगा दिया दोनों वॉलपेपर को। चलिए हम होम स्क्रीन में आ चुके हैं। आने के बाद आपको जो गूगल का विजिट मिलेगा, आपको थोड़ा उसको कस्टमाइज़ करना होगा। उसका विजिट को साइज़ को छोटा करने के बाद आपको उसको थोड़ा ऊपर कर देना होगा, और जो क्लॉक विजिट होगा आपको उसको नीचे ला देना होगा। कुछ ऐसा लाने के बाद आपको कुछ ऐप कस्टमाइज़ करना होगा, जो एप्लीकेशन ज़्यादा इस्तेमाल करते हो आपको कुछ ऐसे एडजस्ट करना होगा, देख सकते हो। उसको अपने होम स्क्रीन में ला देना होगा, उसके बाद आपको एडजस्ट करने के बाद आपको कुछ ऐसा सेटअप कर देना है। उसके बाद आपको अपने बगल का जो पेज होगा उसको भी थोड़ा आपको कस्टमाइज़ करना होगा, उस पर भी एप्लीकेशन को कुछ ऐसे एडजस्ट करना होगा जिससे थोड़ा लुक अच्छा लगे उस वॉलपेपर के साथ, और जो अच्छा लगे और आपको पसंद आए सेटअप। करने के बाद आप देख सकते हो आपको सिर्फ इतना करना था। आपका लॉक स्क्रीन का सेटअप हो चुका है, जो कि इसका क्लॉक विजिट देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और वॉलपेपर भी इसके साथ मैच खा रहा है। और चलिए आप इसका होम स्क्रीन और देख सकते हो, इसका कंट्रोल पैनल सारा चेंज हो चुका है, जो कि इस वॉलपेपर के साथ सूट करता है थीम। इसलिए मैंने बोला था आपको दोनों वॉलपेपर को आपको डाउनलोड करके लगा देना होगा, और उसको थीम स्टोर में जाकर उस थीम को आसानी से डाउनलोड करके इसको अप्लाई कर देना होगा। आपको सिर्फ इतना करना, तो उसके बाद आप इसका सेटअप देख सकते हो। आपको हर चीज़ में चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो इस वॉलपेपर से मैच खाएंगे और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। आप इस सेटअप को बड़ी आसानी से थीम्स का इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने ऐसे भी बहुत सारा सेटअप बना रखा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। जो आपको पसंद आए उस वीडियो को देख के आसानी से सेटअप कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।